सरसों इस बार किसानों की पहली पसंद बन गई है। किसानों का एक-एक सरसों के प्रति बढ़ते मोह का कारण प्रति क्विंटल 8,000 रुपए तक भाव मिलने के अलावा अगले सीजन में गेहूं की सरकारी खरीद ना होने की अफवाह को भी माना जा रहा है। ऐसे में किसानों ने सरसों को इस बार हाथों हाथ खरीद लिया और अपने खेतों में गेहूं की बजाय सरसों की बुआई कर दी। यही वजह है कि इस बार भिवानी जिला में 3,80,000 हेक्टेयर में सरसों की बुआई की गई है। कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस बार सरसों की बुआई 3,80,000 हेक्टेयर में की गई है। पिछले साल यही आंकड़ा 3,50,000 हेक्टेयर भूमि में सरसों की बुआई करने का था। इस बार अब तक गेहूं के प्रति किसान का रुझान कम दिख रहा है। किसान बोले कि सरसों में इस बार दिख रहे हैं कि ज्यादा आमदनी के आसार हैं। सरसों के इस बार अच्छे भाव मिले थे, प्रति क्विंटल 8,000 रुपए तक भाव मिलते नजर आए थे, इसलिए किसानों ने इस बार सरसों को ज्यादा महत्व दिया है। सरसों के भाव भी ठीक मिलने की उम्मीद की जा रही है। इस बार सरसों की बुआई थोड़ी लेट हुई थी तो इस बार मंडियों में सरसों की जो आवकें हैं उनमें भी लगभग एक महीने की देरी देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।